नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन। जी हाँ साथियों, इन अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, अभी आपने पता है सरकार ने कुछ परिवर्तन किए थे अगस्त में, 3 अगस्त का लगभग परिवर्तन कर दिए थे। और धीरे धीरे देखिए, हालांकि COVID-19 भाई इंडिया में तो बढ़ता जा रहा है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ न कुछ सहूलियत होती जा रही है आने जाने वाले लोगों के लिए। और सहूलियत तो भाई करना ही पड़ेगा, रोज़ ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी टाइम हो गया, 5 महीने के करीब लोग परेशान हो रहे हैं, तो सरकार ने कुछ क्वारंटाइन से रिलेटेड ऑप्शन दिया है। मैं तो ये बोलूँगा नॉर्मल भाषा में कि क्वारंटाइन खत्म कर दिया गया। जी हाँ, खत्म इसलिए कर दिया गया, पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा भाई, वरना नीचे कमेंट करने लग जाओगे कहाँ खत्म कर दिया, झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी लोग ज़्यादा आ जाते हैं नीचे कमेंट करने वाले। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो देखिए मैं बता दूँ, इंडियन एम्बेसी दुबई है, उन्होंने घोषणा की थी अपने ट्वीट के माध्यम से कि जो लोग दुबई से इंडिया जा रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप जाके इंडिया में क्वारंटाइन हो जाए, 7 दिन का टाइम लगेगा, कई जगह फ्री है, कई जगह आप होटलों में रुक सकते हैं, पैसा आपका लगेगा, सरकारी अगर आप रुकना चाहें तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं, उसमें 7 दिन रुकना पड़ेगा वगैरह वगैरह, थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। उसके अलावा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि आप 96 आवर्स पहले का अगर आपके पास COVID-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र है। जी हाँ, एयरपोर्ट पे आप जैसे मान लीजिए आज आपकी फ्लाइट है, इंडिया पहुंच गए आज, तो आज से 96 आवर्स पहले का आप टाइम गिन लीजिए, 6 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, कितना टाइम होता है उसके हिसाब से, अगर आप नेगेटिव प्रमाण पत्र आपके पास है, सर्टिफिकेट है, तो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट से घर आ सकते हो। उसमें कोई भी हो सकता है, पहले प्रेग्नेंट महिलाएं, बीमार, बूढ़े, बच्चे वो थे, अब आम लोगों के लिए कर दिया गया भाई। आप ये, मैं ये मानता हूँ कि दुबई का है, लेकिन आप कोई भी कंट्री से आ रहे हैं, XYZ कंट्री का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये नहीं है कि खास तौर से दुबई आने वालों को छूट है, बाकी को नहीं, ऐसा क्या रूल है। अगर COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास है 96 आवर्स यानी घंटे पहले की, तो भाई आप एयरपोर्ट पे आओगे, आपका प्रमाण पत्र आप दिखाओगे, वहाँ से सीधा पासपोर्ट लेके आप रवानगी घर के लिए ले सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना भाई हमारे राजस्थान वाले वो दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली में 2-4 घंटे उनको रुकना पड़ेगा, फिर उनको जयपुर भेजेंगे, किराया उनका लगेगा वगैरह वगैरह। और COVID-19 के अगर आप विदेश में कहीं से भी जहाँ से आप नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हो 96 घंटे पहले की, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई खर्चा आएगा। दुबई में शायद 300 के करीब लगता होगा, 300 दराम के समथिंग इतना ही चार्ज है, तो 6,000 रुपये बनता है भैया, कुछ ज़्यादा नहीं है। इतना पैसा तो आपका यहाँ दिल्ली से जयपुर आने में किराया लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी कंट्री का अगर आप आना चाहो तो COVID-19 की अगर नेगेटिव रिपोर्ट है 96 आवर्स पहले की, तो भैया सीधा घर आप आ सकते हो। इसका दूसरा अल्टरनेट भी दिया है कि भैया आप वहाँ से भी अपनी COVID-19 की रिपोर्ट ऑनलाइन आप पोर्टल पे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया पे आप अपलोड कर सकते हो। जी हाँ, बाकायदा मेल आईडी दी गई है, बता दूं आपको, www.newdillieairportindia.in पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे भी आप पंजीकरण करवा सकते हैं। उसके उसमें क्या है कि वहाँ पहले ही आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, इस बंदे का ये फ्लाइट में आएगा, तो डायरेक्ट आप घर आ सकते हो। तो ये अच्छी न्यूज मुझे लगी, और मैं तो ये बोलता हूँ हर आदमी जो COVID-19 रिपोर्ट लेके आए, ताकि उसको यहाँ परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, सीधा वो घर पहुँच जाए। जैसे सेम जैसे आप दुबई जा रहे हो तो वो COVID-19 की रिपोर्ट मांगते हैं, तो वहाँ जैसे आप रिपोर्ट है आपके पास, तो आप डायरेक्ट दुबई निकल जाओ, अपना काम कीजिए। सेम वही इंडिया में ये ऑप्शन कर दिया गया, तो मैं तो ये शब्दों में बोलूँगा कि क्वारंटाइन इंडिया में ख़त्म कर दिया गया है। तो आप बस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।